धर्म है। इसकी स्थापना के पीछे धार्मिक भेदभाव का विरोध और आम आदमी के धार्मिक अधिकार की रक्षा भी है। लेकिन इस धर्म में सेवा, प्रेम और समानता का एक संदेश भी है, त्याग और समर्पण का भाव भी है। कोरोना से लोगों को बचाने की लड़ाई में सबको इंसान समझा गया। जो भी सुविधाएं थी सबको बराबरी से मिली। गुरुद्वारों की व्यवस्था कब मानवता की रक्षा में लग गई किसी को पता भी नहीं चला। यही धर्म की खूबसूरती है कि वो नारायण में नर और नर में नारायण की दृष्टि देता है। आइए आपको ये बात समझाने वाली एक कहानी के जरिए दिखाते हैं। देश वावर मोह है शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। एक वरदान जो उस परमात्मा ने दिया है और उस परमात्मा के दिए वरदान और उस हुक्म पर ही आगे चलते हुए सिख कौम ने इस त्रासदी के वक्त में लोगों के लिए एक ऐसी सेवा की शुरुआत की जिससे ताउम्र हर कोई याद रखेगा और जो एक मिसाल बन गई पूरे समाज के लिए। बच्ची मेरे को फोन करती है कि अंकल मेरे पापा की डेथ हो गई है, कहीं संस्कार की जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा बेटा हम एम्बुलेंस भेज देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो बच्ची मेरे पास आ जाती है, मेरे सामने बैठ जाती है और मैं कहता हूँ बेटा एम्बुलेंस ले जाओ, तो कहती नहीं मैं तो पापा की डेड बॉडी अपनी कार में लेके आ गई हूँ। 40 से 50 संस्कार हम रोज कराते थे। बस ऐसा ही समय था जब कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हुई और ऑक्सीजन का कमी हमारे दिल्ली एनसीआर में आनी शुरू हुई। हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। डोंट वरी, मैं 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी सारा कुछ अरेंज कर रहा हूँ। ऐसे ही मुझे कॉल आया, अब मुझे नहीं पता ऑक्सीजन कहाँ से इंतजाम करना, बट हमने उनको बोल दिया कि हम कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। और इतना भयंकर जो प्रकोप ले जाएगा कोरोना का, कभी सोचा भी नहीं था। हर आदमी कोरोना पॉजिटिव तो था ही था, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग घरों में, सड़कों पर, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे। मेरा रिएक्शन ये था कि ये पता नहीं रमी बाजी ने कैसे सोचा, इतनी बड़ी बात सोच ली कि बिना मेडिकल के हम रोड पे इतना ऑक्सीजन दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छा सोच है, आप एक बार प्लान करें अगर हमारे पास सुविधा हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इन्होंने बोला आप सिर्फ प्लान करो, आप ये देखो कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम अरेंज कर लेंगे। अभी तक लोगों को ऑक्सीजन की जो कमी थी हमें नहीं पता था कहाँ से आनी है, कहाँ से इंतजाम होने हैं। वाहेगुरु ने ही ये सेवा हमें बख्शी। हमें लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ोन आए ऑक्सीजन के लिए, हमें ही कुछ करना था जब वाहेगुरु ने हुक्म किया हमें सेवा के लिए। और ये सेवा हमारी पहले दिन जब लोगों को फ़ोन पे फ़ोन आने चालू हुए तो मैंने अनमोल और मेरे टीम वर्कर खालसा के लक्की जी को बोला आप इस जगह पर जाओ, मेरे प्लांट के मालिक से बात हो गई है, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन अलाउड नहीं है बट वो हमें किसी तरह प्रोवाइड कराएंगे। तो वो पहला दौर जो हमारे 8 सिलेंडर भर के हमारे पास शाम तक पहुँचे, जिनके लिए लोगों की तादाद लाइन लगी पड़ी थी ऑक्सीजन की भरमार की रिक्वायरमेंट। सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब यहाँ पे लोगों के फ़ोन पे फ़ोन ऑक्सीजन के लिए आ रहे थे कि हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। वो ऑक्सीजन को भरते वहाँ पे गाड़ी जाते, कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए। तब तक गुरुद्वारा इंदिरापुरम में लोगों का तादा लग गया, जो चिल्ला रहे थे, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते वैसे ही मरीज तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बगैर। जब हमारे दरवाजे पर ऑक्सीजन पहुँची, पहले 8 सिलेंडर आए, तब हमें लगा अब वाहेगुरु ने हमारी बाँह पकड़ ली है, अब हम लोगों को सांसों का लंगर दे सकते हैं। तो पहला ऑक्सीजन लंगर जो हमारा ये इंदिरापुरम से पूरे वर्ल्ड का ऑक्सीजन लंगर
पहले नंबर पे स्टार्ट हुआ और ये हमारा कारवां चलता ही। कोरोना काल में पहले दिन में मेरे को रमी पाजी की फोन आई, कह रहे कि अनमोल मेरा मन कर रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने का। तो मैंने कहा पाजी कहाँ से प्रोवाइड कराओगे सिलेंडर? कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तू गुरुद्वारे आ, मत्था टेक और स्टार्ट हो जा, कोई दिक्कत नहीं। गाजियाबाद जा, मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री है, वहाँ से भरवा के लेके आ खाली सिलेंडर। खाली सिलेंडर में 8 सिलेंडर उनकी फैक्ट्री में पड़े हुए थे, वो लेके आया। तो मैं भाजी ने कहा मत्था टेक और चले जा, जहाँ मर्जी से भरवा के आ। उस टाइम हमें पता लग रहा था कि मायापुरी में फ्री लंगर लग रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भर रहे हैं। बट वहाँ गया तो वहाँ इतनी भीड़ थी, मतलब समझ नहीं आया क्या करें। फिर किसी ने बताया कि नारायणा में इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पर भर रहे हैं। तो वहाँ पर 8 सिलेंडर में रात दोपहर को गया था 2 बजे के करीब, 10:30 बजे रात को मैं आया वहाँ से। मैं गाड़ी गुरुद्वारे के अंदर खड़ी करी, इतने में मेरे को 11:30 बजे पाजी ने कहा कि अनमोल स्टार्ट कर देते हैं लंगर। तो हमें बड़ी कॉल आ रही थी रमी पाजी को कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फिर रमी पाजी ने स्टार्ट करा 11:30 बजे, हमने एक गाड़ी में लगाया। तो उसमें हमारी एक गुनीत सिंह है उनका बेटा, तो उसने वीडियो करी वायरल के उसमें ग्रुप में डाली, तो ग्रुप में इतनी शेयर हुई कि सवेरे से तो गाड़ी ही भर गई। सर जिसको बिल्कुल लेवल सही है फिट है वो किसी और को दे दे अपनी जगह। यहाँ पे कई 100 आदमी बाहर रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हमारा पेशेंट। अब उनको मैं क्या बताता कि जिस उम्मीद में हमने वो गाड़ी मंगाई थी, वो गाड़ी पूरी रात थाने में बंद रही। अब वो सुबह निकलने के लिए निकली वहाँ से, अब उसको पहुँचने में 5 से 6 घंटे चाहिए। तब तक हमारा पिछला जो बैकअप था ऑक्सीजन का लगभग ख़त्म होने पे आ गया। उस टाइम पे एक तो मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, ऊपर से ये 4 फ़ोन हैं, 2 तो हमारे इसमें से हेल्पलाइन नंबर हैं जो कंटिन्यूसली बज रहे थे, कोई टाइम नहीं देख रहे थे, सब रात को सुबह हर टाइम 24 आवर्स ये फ़ोन बज रहे थे। और लोग फ़ोन करते कि हमारे पेशेंट की 35 ऑक्सीजन लेवल रह गई है, और तो कब कितनी देर भाई हमारा लंगर लगा है वहाँ पे। तो उसी टाइम फिर मैं दूसरे फ़ोन से भाई को फ़ोन करता था कि भाई कितनी ऑक्सीजन बची है बंदे की और पेशेंट की, 35 ऑक्सीजन लेवल है। तो वो जब कहता था कि हाँ भेज दो, तो फिर मैं उन्हें बोलता था। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, कोई हरिद्वार से फ़ोन कर रहा है, कोई मेरठ से फ़ोन कर रहा है, कोई दिल्ली से हमारे पास आ रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, अराउंड 23 उसकी एज थी, रिक्शे पे लेटी हुई आती है, उसकी ऑक्सीजन लेवल थी 6 ऑक्सीजन लेवल थी। डॉक्टर ने बोल दिया था डेड और नहीं है, उसको हमने लगाई ऑक्सीजन, उसकी करते करते 45+ ऑक्सीजन सिलेंडर ही उसकी ऑक्सीजन लेवल पहुँचा। हमने अपनी एम्बुलेंस में उसको जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके एडमिट करवाया। आज वो लेडी और उसका बेटा आज दोनों बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हॉस्पिटल में। हमने सिलेंडर इकट्ठे करने शुरू किए खाली, उसके बाद कभी हम हिसार जा रहे हैं, कभी हम मुंडका दिल्ली जा रहे हैं, कभी हम जीरकपुर जा रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास राशन नहीं था, उनको राशन देते थे हम, उस दौरान बना हुआ राशन देते थे, कच्चा राशन देते थे, एक जगह घरों में जाके भी राशन दिया है लोगों के। यहाँ सिलेंडर तक ख़त्म हो चुके थे, दूध दही इसका पैसा भी देते थे, सामान भी लोगों के घरों में पहुँचाते थे उस दौरान भी। हालांकि एक डर का माहौल था लोगों में, लोग सामने नहीं आते थे, दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे सामान पकड़ने के लिए, सिर्फ बाहर रख दो जी हम ले लेंगे, ये हालात होते थे उन दिनों। मतलब वो आप समझ लीजिए कि जो 25 दिन गुजरे हैं ना, हम उसका बयान नहीं कर सकते कुछ, उसे सोच के आँखों में आंसू आ जाते हैं उस चीज़ में। मैक्सिमम करीब हमने 15,000 पैकेट तैयार किए जो लास्ट कोरोना में, क्योंकि उस वक्त खाने का ज़्यादा था, उस वक्त खाने का ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ से सारे मजदूरों के रेले जा रहे थे, उन लोगों को देना, लड़के यहाँ पर जो पीछे थे बैग में वो सारे पैक करते थे, सुबह से शाम तक पैकिंग चलती थी वहाँ पे, और उनको राशन देना है, चप्पलें देनी है, कईयों को कपड़े तक भी दिए जिनके पास नहीं थे कपड़े, दूध बच्चों को सूखे दूध के डिब्बे, ये हालात थे, A to Z दवाइयाँ यहाँ से लोगों को देने के लिए। और उसके अलावा हमने करीब आप समझ लो करीब 200 से ऊपर टन राशन जो लोगों को सूखा बांटा है विभिन्न विभिन्न एरियों में जाके।
कैसे भूल सकता हूँ। ये वही जगह है जहाँ 12 दिन पहले शादी होके एक बच्ची हाथ में चूड़ा पहना हुआ है और लाश को लेके परिवार वाले बाहर खड़े हैं, 3 लोग, और मुझे कहते शंटी जी इस बच्ची का संस्कार करा दो। उस समय 80 नंबर वेटिंग चल रहा था उनका, उस परिवार की उस बच्ची को जिसकी 12 दिन शादी को हुए थे, मेहंदी लगी हुई थी हाथों में, मैं नहीं भूल सकता वो हादसा। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों से संस्कार किया। आपदा किसे कहते हैं, आपदा होती क्या है, शमशान घाट की ये दीवारें बयां कर पाएंगी, क्योंकि एक दिन में 150 से ज्यादा लोगों के शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा था। वो दौर जब अपने साथ छोड़ गए थे, उस दौर में इन लोगों ने उनके अपनों को मुखाग्नि दी, सांसें देने से लेकर अंतिम संस्कार तक।